वंदे मातरम जय लक्ष्मीनाथ। समाज के हर व्यक्ति को मेरा वंदन, प्यार भरा नमस्कार। 14 फरवरी यानी पूरा विश्व 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाता है। मित्रों, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पश्चिमी संस्कृति है। हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसे दिन नहीं मनाए जाते। हिंदू संस्कृति में हमारे आचार्य ने हमें सूत्र दिया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं। तो हमारे आचार्य ने हमें जो शिक्षा दी है, उस अनुसार 14 फरवरी को हम सब साथ मिलके मातृ पितृ पूजन दिन मनाएं। और हमारी युवा पीढ़ी जो ऐसे दिन मनाकर जो गुमराह हो रही है, उसे सही रास्ते पर ले आए। और हमारा हिंदू शास्त्र है, उसके अनुसार इन्हें जीना सिखाएं। तो आओ, 14 फरवरी को हम सब साथ मिलके मातृ पितृ पूजन दिन मनाएं। मैं समाज के हर युवा को अनुरोध करता हूं कि ऐसे पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण ना करते हुए हम हिंदू संस्कृति का अनुकरण करें और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिन मनाएं। मातृ देवो भव, पितृ देवो। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ, हम भी अपने माता पिता का पूजन करके सर्वप्रथम माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया, ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की सात परिक्रमा करें, इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यानी गानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं साच्य दीपं